चुनाव पर हमारे स्पेशल बुलेटिन लॉन्च हुआ है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी पवन नारा इस वक्त बरेली के मैदाने जंग से मौजूद हैं, जबकि अमित पायलट मेरे साथ नोएडा के मैदाने जंग में मौजूद है। लोकसभा के चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 तारीख से शुरू हो जाएगी। 11 दिन बचे हैं इस वोटिंग में। तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चुनाव प्रचार चरम पर है और लगातार बयानबाजियों का दौर भी जारी है। मैदाने जंग में मैं और मेरे तमाम साथी इस वक्त मौजूद हैं। सीधा ग्राउंड जीरो से चुनाव से जुड़ी हर एक बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, वो भी सीधा ग्राउंड जीरो से। पहली खबर जानने के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी पवन नारा का। राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर है, पवन ओवर टू यू। बिल्कुल, राहुल गांधी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज सियासत का सुपर सोमवार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में होंगे, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 सभाएं महाराष्ट्र में करते हुए नजर आएंगे। स्मृति ईरानी रायबरेली और अमेठी के दौरे पर होंगी, तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में रैली करेंगे, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। यानी सभी नेता मतदाताओं को रिझाने के लिए मैदाने जंग में उतर चुके हैं। आपको एक खबर और बता दें, दूसरी खबर है आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई। आम आदमी पार्टी लगातार आज एक्शन में नजर आएगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी आज अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर रही है और इसी सिलसिले में संजय सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को आज चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देना है। इतना ही नहीं, के कविता, जी हां, शराब घोटाले में जेल में बंद के कविता की जमानत पर सुनवाई आज होनी है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के एक मामले की सुनवाई भी आज अदालत में होनी है। यानी एक तरफ नेता मैदाने जंग में उतर चुके हैं, राजनीति रैलियां कर रहे हैं, और अब दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लिए भी आज के लिए दिन बड़ा है। अब आपको अगली खबर दे दें। अगली खबर है राहुल गांधी से जुड़ी हुई। जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है। आइए आपको बताते हैं कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। प्रशांत किशोर राजनीतिक रणनीतिकार है, लेकिन आजकल जन स्वराज के साथ बिहार के मैदाने जंग में उतरे हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि राहुल गांधी को कुछ समय के लिए पीछे हटना चाहिए। प्रशांत ने कहा है कि राहुल का चेहरा दिखाकर कांग्रेस लगातार हार रही है, उसका ग्राफ नीचे जा रहा है, इसलिए अगर कांग्रेस को वापसी करनी है तो राहुल गांधी को कुछ समय के लिए पीछे हटकर दूसरों को मौका देना चाहिए। राहुल गांधी भी शायद कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया गया था। लेकिन प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राहुल गांधी पीछे हटे, उनका चेहरा नहीं किसी और का चेहरा आए आगे, ताकि विश्वास बढ़ सके। यानी राहुल गांधी को तीखी सलाह दी। भले ही राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष ना हो, लेकिन उनकी भूमिका कुछ इसी तरीके की रही है, और यही वजह है कि अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव अगर देना है तो राहुल गांधी को पीछे हटना होगा, क्योंकि अभी तक राहुल गांधी वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं जो उनका चेहरा आगे करके मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको एक फुल स्टॉप तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सेमी कोलोन जरूर डालना चाहिए। भाई 10 साल आपने प्रयास किया, 3 चुनाव लड़े, किसी वजह से सही या गलत आपको सफलता नहीं मिली। देर इज नो हार्म इन जस्ट स्टेपिंग टेकिंग अ बैक स्टेप एंड से भैया तुम चला के देख लो 5 साल, लेकिन आप कर भी नहीं पा रहे हैं और उसको छोड़ भी नहीं रहे, दूसरे को मौका भी नहीं दे रहे हो, तो वो मेरी समझ से वो एंटी डेमोक्रेटिक भी है। आप नहीं कर पा रहे हो, या सही या गलत उसको छोड़ दो, अगर आपको 3 मौका मिला ना भाई, 2014 का आपके चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, आपने चुनाव लड़वाया, 2019 में आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट ही थे और आज भी कांग्रेस आप ही चला रहे हो, अगर किसी वजह से 3 चुनाव में सफलता नहीं मिली, तो जो राहुल जी ने अपने इस्तीफा देते समय जो बातें उन्होंने लिखी थी 2019 के चुनाव के बाद, उस लेटर को जरा पढ़ लीजिए,
वो तो यही बताता है कि भाई मैं आई विल स्टेप बैक, आई विल लेट समबडी एल्स डू द जॉब, लेकिन फिर आप आके कर वही रहे, बिल्कुल उल्टा जो आपने लेटर में लिखा था। वो अभी चेहरा है, कांग्रेस की कमान उनके हाथ में है, कांग्रेस चला वो रहे हैं, उनको प्रयास करना चाहिए, सफलता मिले लोग उनके जो समर्थक हैं उनको लगना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर न मिले तो इसको जिद का विषय नहीं बनाना चाहिए कि मैं ही करूंगा, क्योंकि ये जो कांग्रेस है, जो संस्था है, या देश में जो उसके चाहने वाले जो समर्थक हैं, वो किसी एक व्यक्ति या किसी एक फॉर्मेशन से बड़े हैं। यू आर बिकमिंग द लीडर जस्ट बिकॉज ऑफ द सरनेम। तो किसी जमाने में शायद पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में वो आपके लिए एडवांटेज था कि आप राजा के लड़के हैं या किसी बड़े बाप के लड़के हैं या यू आर कैरिंग ए सिग्निफिकेंट सरनेम। टूडे इन टूडेज टाइम इट्स अ लाइबिलिटी, इट्स अ लाइबिलिटी, क्योंकि जो सामान्य जनता है उसको लगता है कि भाई हमें तो चपरासी बनने के लिए, टीचर बनने के लिए, हमें साधारण नौकरी पाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और आप आए, आप किसी के लड़के हैं इसलिए आप नेता बन गए, और आप पब्लिक के बिहेवियर को सेकंड करने की, मैं जो बात कह रहा हूँ इसको स्ट्रेंथन करने के लिए मैं आपको आर्गुमेंट ये दूंगा कि आप देख लो जितने लोग इस तरह के आए हैं उनको सबको असफलता ही हाथ लगी है। पार्टियों का लीडर बन जाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखते हैं भाई ये आए और राहुल गांधी को कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेस ने नेता मान लिया, कांग्रेसियों ने नेता मान लिया, देश ने नेता नहीं माना। अखिलेश यादव, फॉरगेट अबाउट कांग्रेस, अखिलेश यादव सपा के नेता हैं, मुलायम सिंह जी के बाद वो नेता बन गए, लेकिन आप में से बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि अखिलेश यादव के सपा के नेता बनने के बाद आज तक समाजवादी पार्टी कोई भी चुनाव लोकसभा या विधानसभा में जीत नहीं पाई है, ना विधानसभा ना लोकसभा। तो आप देख रहे थे प्रशांत किशोर सलाह दे रहे हैं, लेकिन शायद 24 के लिए सलाह में देर हो चुकी है। अगली खबर के लिए आपको लेकर चलते हैं नोएडा के मैदान जंग में, मेरे सहयोगी अमित पालित वहां मौजूद है। बिल्कुल पवन, और प्रशांत किशोर कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, समझ लीजिए प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस को लेकर बात कर रहे हैं तो उनको अंदर खाने में किस तरह से पार्टी काम करती है पता है, क्योंकि उन्हीं के आप कह सकते हैं जद्दोजहद से अखिलेश और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के चुनाव में साथ आए थे, हाथ मिलाया था, हालांकि नतीजा उनके मुताबिक नहीं रहा था। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के कामकाज के तरीके पर जो सवाल उठाया है, प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को सलाह दी है कि पार्टी को बड़े बदलाव करने होंगे, और प्रशांत ने कहा जहां राहुल को नसीहत दी उन्होंने साथ में कि बीजेपी को लेकर भी चौंकाने वाली बात कर दी है। चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में प्रशांत ने दावा किया कि बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चमत्कार करने जा रही है। There is a structural flaw in the way party has been structured, the way they function, the way they connect with people, the way they do their outreach, the way they reward their workers. जब तक आप उसको नहीं एड्रेस करोगे तो आप सिर्फ लीडर्स को बदलते रहोगे ऊपर, चाहे आप CWC बदल दो, PCC बदल दो, राहुल गांधी के जगह किसी दूसरे को लाओ, कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली नहीं है। क्योंकि रीजन ऑफ डिक्लाइन इज स्ट्रक्चरल एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज सम टेम्पररी सम एग्जीक्यूटिव मेजर, अच्छा भाई प्रशांत किशोर को ले आओ ये चुनाव जिता देंगे, तो पहले तो जिता नहीं सकते, और अगर जिता भी दिए तो भी वो लॉन्ग टर्म नहीं होने वाला। दे विल सिग्निफिकेंटली एड नंबर्स, number of seat in eastern and southern India, and we would also see a huge jump in their vote share, which is much more important in the states like Tamil Nadu. You would see, I have said this a year back, that for the first time I see BJP in double digit in Tamil Nadu vote share. I don't know about the seat, but definitely they are in double digit in terms of vote share in Tamil Nadu. They will be either the first or the second party in Telangana, which is a big thing. They will be number one in Odisha, for sure. They could be very well number one in Bengal. You would be surprised, but BJP will, in all likelihood to my mind, BJP is going to emerge as number one party in West Bengal, in Lok Sabha. And Bihar, of course, they will be number one because they are fighting only 17, but probably they will have a better strike rate than anybody else. देखिए लोकसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर में थे, एक भव्य रोड शो किया, और बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में वहां पर लोग उन्हें देखने के लिए पहुंचे। तो दूसरी तरफ आज राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के मैदान जंग में है,
उनकी दो रैलियां होनी है। जो पहली रैली राहुल गांधी की है वो दोपहर 2 बजे सिवनी के दनोहा में होगी और जो दूसरी रैली है शाम को 4 बजे शहडोल के बाणगंगा में होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ जीतू पटवारी भी राहुल गांधी के साथ मौजूद होंगे। सियासी दिग्गजों का मेला मध्य प्रदेश की धरती पर लगा हुआ है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में एक भव्य रोड शो किया। 1 किलोमीटर ये लंबा रोड शो था और बताया जा रहा है कि खुली जीप में जब प्रधानमंत्री हाथ लाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे तो वहां पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव भी मौजूद थे। देखिए भीड़ बहुत ज्यादा थी मध्य प्रदेश में। पहले चरण में शहडोल, सीधी, मंडला, जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा सीट पर चुनाव है और पीएम नरेंद्र मोदी ने संस्कार धानियानी की जबलपुर से मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार का शंखनाद कर दिया है। तो आज राहुल गांधी मंडला और शहडोल की सीटों पर प्रचार करेंगे और कांग्रेस के लिए वोट की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के दौरे में है। प्रधानमंत्री के दौरे की शुरुआत छत्तीसगढ़ के बक्सर से होगी, जहां बस्तर से होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1:30 बजे एक सभा करेंगे। आपको बता दें कि ये आमाबाल में पीएम मोदी की सभा है, छोटा सा इलाका है, बावजूद इसके यहां 1 लाख से ज्यादा लोगों के जुटने की संभावना है। यहां पहले चरण में या कहें कि 19 अप्रैल को केवल 1 सीट पर वोटिंग होनी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं। वो छोटी सी रैली है या कहें कि छोटा सा इलाका है, बावजूद इसके 1 लाख लोग जुटेंगे। इसी गांव में हर साल बस्तर का मशहूर दशहरा होता है, वहीं आज यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार का शंखनाद करने वाले हैं। आपको बता दें वेदर, इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 5 बजे महाराष्ट्र पहुंचेंगे। विदर्भ की सीट पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार उम्मीदवार हैं। सुधीर मुनगंटीवार का मुकाबला कांग्रेस की प्रतिभा धानेकर से है, जो दिवंगत सांसद बालू धानेकर की पत्नी हैं। पीएम मोदी ने अब चुनाव प्रचार के दौरान अपने तेवर तीखे किए हैं। पीएम ने रविवार को नवादा से लेकर जलपाईगुड़ी तक विरोधियों को घेरा है। और अब अगली खबर के लिए मैदान जंग में आपको लेकर चलते हैं अमित के पास। तो देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर तमाम पार्टियां तेजी से जुटी हुई हैं और 400 के टारगेट को अचीव करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी आदित्यनाथ की मांग भारी बढ़ गई है। तमाम राज्यों से सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड आ रही है। स्टार प्रचारक भी हैं बीजेपी के, ऐसे में आज उनकी कई रैलियां होनी है। बताया जा रहा है कि जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं तो उनका क्रेज इस कदर लोगों में है कि भारी तादाद में लोग उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए पहुंचते हैं। उनकी सभाओं में भारी भीड़ होती है और ऐसे में आज सीएम योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र की 48 सीटों को साधेंगे, जहां वो 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम वर्धा, भंडारा और नागपुर में चुनावी जनसभाओं को आज संबोधित करने वाले हैं। को बता दें आम आदमी पार्टी एक्शन में है। अरविंद केजरीवाल जेल में गए तो परेशानी हो गई कि चुनाव की कमान कौन संभालेगा, लेकिन अब संजय सिंह बाहर आए हैं और आज आम आदमी पार्टी अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर रही है। इसको लेकर संजय सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज आपको बता दें कि पार्टी दिल्ली में कैंपेन लॉन्च करेगी तो दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी सिंह आज से 3 दिन तक असम में चुनाव प्रचार करेंगी और लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगी। आतिशी सिंह चुनावी रैली के साथ साथ असम के दुलियाजान में एक रोड शो करेंगी। इन सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट जाने हैं। यानी एक तरफ अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो प्रचार की कमान आतिशी संभाल रही हैं और चुनाव कैंपेन का लॉन्च संजय सिंह कर रहे हैं। तो आपको बता दें संजय सिंह चुनाव कैंपेन के लॉन्च के वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिलहाल आम आदमी पार्टी के सामने संकट ये है कि कैसे मतदाताओं के बीच पहुंचा जाए। जो सर्वमान्य सबसे बड़ा चेहरा था आम आदमी पार्टी का, या कहें कि चेहरा है आम आदमी पार्टी का, वो अरविंद केजरीवाल हैं, जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं।
आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी बात यह रही कि संजय सिंह को जमानत मिली है, वो अगुवाई कर रहे हैं प्रचार की। अतिशी असम पहुंची है चुनाव प्रचार करने के लिए। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर क्या तैयारियां हैं आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार को लेकर। आपके नेता अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, याद रखना, गहरी साजिश के तहत मैं कह रहा हूं। इस जंतर मंतर के ऐतिहासिक धरती से पूरे देश को बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार थे, ईमानदार हैं, ईमानदार रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। और गहरी साजिश मैं क्यों कह रहा हूं, गहरी साजिश इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुकदमा बनाया है केजरीवाल जी के खिलाफ, दसवीं का बच्चा अगर सुनेगा, दसवीं का बच्चा, ईडी तो छोड़ दो, होमगार्ड को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, सिविल डिफेंस वालों को भी जांच करने के लिए दे दिया जाए, तो 3 घंटे के अंदर बता देगा कि फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है, फर्जी मुकदमा है। तो सुना आपने संजय सिंह क्या कह रहे हैं। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो आम आदमी पार्टी पर लगातार नजर रखते हैं। भास्कर, आज चुनाव प्रचार शुरू कर रही है आम आदमी पार्टी, क्या मेजर बातें होंगी और क्या सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार के केंद्र बिंदु में होंगी? देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल जाने के बाद एक बड़ी आवाज की तलाश थी। संजय सिंह बाहर आ गए हैं जेल से, आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है। अभी से कुछ देर बाद यानी 10 बजे संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, उसमें वो शराब घोटाले को लेकर एक बड़ा खुलासा करने का दावा कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक नया चैप्टर इसमें जुड़ने वाला है। कुछ नए सबूतों के साथ वो मीडिया के सामने एक बार आने वाले हैं। उसके बाद 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जहां पे लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी नया कैंपेन लॉन्च करने वाली है। हालांकि लोकसभा चुनाव कैंपेन पहले ही आम आदमी पार्टी लॉन्च कर चुकी है, जब अरविंद केजरीवाल जेल नहीं गए थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इसी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अरविंद केजरीवाल ने चुनाव का कैंपेन लॉन्च किया था। उसके बाद पंजाब में अलग से, हरियाणा में अलग से, और इसके बाद असम जाने का उनका प्लान था जो बन नहीं पाया। तो हर स्टेट में अलग अलग चुनाव कैंपेन वो लॉन्च कर चुके थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद कैंपेन की स्ट्रेटजी कैसे बदली है ये आज पता चलेगा 12 बजे, जब आम आदमी पार्टी के तमाम सीनियर नेता एक साथ बैठेंगे और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर किस हिसाब से जनता के बीच जाना है। इस पूरे 21 मार्च के बाद से अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे केंद्रित है कि अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और जनता में कैसे इस मैसेज को पहुंचाया जाए। इसके बाद 12 बजे देखिए, अरविंद केजरीवाल जेल में है और उसे भुनाने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से हो रही है। तो यही देखिए, मुश्किलें अखिलेश यादव की भी कम नहीं है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में समाजवादी पार्टी में कैंडिडेट्स के नामों को लेकर भारी कंफ्यूजन चल रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा। मेरठ हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, जहां कैंडिडेट्स बार बार बदले गए, तो अब नई चर्चा बदायूं को लेकर है। बदायूं के नाम पर भी भारी कंफ्यूजन समाजवादी पार्टी में बना हुआ है। हालांकि शिवपाल यादव के उन्होंने साफ साफ संकेत दे दिया है कि बदायूं से वो नहीं बल्कि उनके बेटे आदित्य यादव चुनावी मैदान में होंगे। शिवपाल यादव ने इसे जनता की मांग बताते हुए कहा कि जनता चाहती है कि बदायूं के मैदान जंग में अब नया युवा नेता आए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं लड़ूं या फिर आदित्य यादव लड़े, बात एक ही है। शिवपाल यादव ने यह भी साफ किया कि नवरात्रि से पहले सभी कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा, सभी अपना नॉमिनेशन कर पाएंगे। बदायूं से आप बार बार कह रहे हैं कि युवा आना चाहिए, कुछ फाइनल हो पाया अभी? अब तो आप लोग समझ ही रहे बात को, तो घोषणा कब तक होगी? चाहे हम लड़े चाहे आदित्य लड़े, बात तो एक बात है। यहाँ के लोग तो मांग कर रहे हैं ना, एवा भी लड़ सकता है। अब ये निर्णय तो बहुत जल्दी लेना, अब तो बहुत जल्दी, अब क्या, अब तो नवरात्रि आ गई, उनमें नामांकन हो जाएगा।
लोगों की भावनाएं आपने राष्ट्राध्यक्ष जी तक पहुंचा दी? पहुंच गए, अच्छा खबर कौन सा है बात, रोज के रोज खबर पहुंच जाती है। तो चाचा ये माना गया कि नौ दुर्गों में प्रत्याशी जो रह गए सबकी घोषणा हो जाएगी? सबकी घोषणा हो जाएगी, नवरात्रियों में सबकी घोषणा हो जाएगी। नॉमिनेशन के लिए कुछ दिन तय किया है चाचा आपने, क्या स्पेशल दिन तय किया है? पंडित जी से पूछ ले, पंडित जी से पूछ। और मेरे सहयोगी रुचि इस वक्त लखनऊ से मेरे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, आखिर चल क्या रहा आम आदमी समाजवादी पार्टी के भीतर, इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्या अखिलेश यादव खुद फैसला नहीं ले पा रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरह का दबाव है कैंडिडेट्स को लेकर? देखिए, ये वाला जो मसला है बदायूं वाला, इसमें ये बात है कि शिवपाल यादव वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहते। शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनका बेटा आदित्य यादव है उसको टिकट दे दिया जाए, वो चुनाव लड़ ले। और वहाँ जो बूथ कार्यकर्ताओं की मीटिंग शिवपाल यादव कर रहे हैं, उसमें खुले मन से शिवपाल यादव ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से अपनी ये सीट आदित्य यादव को दे रहा हूँ। यानी वो चाहते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में उनका बेटा आदित्य यादव आगे बढ़े और वो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बने। वैसे समाजवादी पार्टी में बहुत कंफ्यूजन है, आपने लगातार एक सीरीज देखी टिकट कटने की, टिकट चेंज होने की, जो मुरादाबाद से शुरू हुई जिसमें जो समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमपी थे एसटी हसन, उनका टिकट काट के रुचि वीरा को दे दिया गया। उसके बाद आपने देखा बागपत में सीट बदल गई, मेरठ में तो तीन तीन उम्मीदवार आ गए। पहले भानु प्रताप सिंह को टिकट मिलता है, उनका टिकट कटता है, हाथुर प्रधान अपना नॉमिनेशन कर देते हैं लेकिन उसके बाद उनका टिकट कट जाता है और सुनीता वर्मा को टिकट मिल जाता है। गौतम बुद्ध नगर में भी हमने देखा कि बार बार समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट बदला। लेकिन बदायूं का मसला दूसरा है, शिवपाल यादव चाहते हैं कि उनका बेटा आगे आए। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी में कन्फ्यूजन बहुत है रुचि, और यहाँ पर अब देखिए तमाम जो पिता राजनेता हैं वो अपने अपने बेटों को सेट करने के जुगत में जुटे हुए हैं, और इसीलिए अब शिवपाल यादव भी इसी जुगाड़ में है कि किसी भी तरह से उनके बेटे को चुनावी टिकट मिल जाए।